गाइज आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका फेसबुक रील्स वायरल तो होगा ही होगा, उसके साथ आप अपने फेसबुक रील्स की मदद से किस प्रकार से पैसे कमा सकते हो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए आप लोग वीडियोस तो बनाते हो, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी आपका फेसबुक रील्स वायरल नहीं होता और होगा भी नहीं, क्योंकि भैया आप बहुत सारे गलतियों को करते हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को छोड़ देते हो, आप अपने अकाउंट पर बहुत सारे गलती को करके रखते हो और बहुत सारा कचरा मचा कर रखते हो, तो भैया कहां से आपका फेसबुक रील्स वायरल होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल से बताऊंगा कि कौन सा ट्रेंडिंग ऑडियो होता है, कौन सा आपको हैशटैग लगाना है, किस प्रकार से आपको वीडियोज को क्रिएट करना है, कैसे वीडियोज को डालना है, किस टाइम पर वीडियोज को डालना है, मतलब एकदम सारा जानकारी को एकदम डिटेल में समझाऊंगा ए टू जेड सेटिंग्स के साथ। अन्यथा देखने को तो भैया यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज पड़े हैं जिसको देखकर आप टाइम पास कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोज पर क्लिक किए हो तो मैं आपको 100% आपका टाइम पास नहीं होने दूंगा और आपको एकदम सही जानकारी दूंगा जिससे आपका फेसबुक रील्स वायरल होगा और उससे आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। तो यहां से एकदम डिटेल में और लाइव प्रूफ समझाने के लिए मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले मैं अपने फेसबुक में चले जाता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूं। नीचे स्लाइड करने के बाद मोर पर क्लिक करके जैसे ही मैं अपने रील वाले सेक्शन पे आता हूं तो यहां से देख सकते हैं कि मैं प्रत्येक बार रील डालता हूं और प्रत्येक सप्ताह में से मेरे कोई ना कोई वीडियो मिलियन हिट कर जाता है और मेरे प्रत्येक रील्स वायरल होते रहते हैं। तो भैया मैं इसमें कौन सा ट्रिक लगाता हूं, कौन सा टिप्स को यूज करता हूं, तो भैया एक-एक स्टेप्स को एकदम बारी-बारी से समझते हैं। तो फेसबुक रील्स को वायरल करने के लिए सबसे पहले आपके अकाउंट में सही सेटिंग्स होना जरूरी है, वरना आप कितना भी मेहनत करोगे आपका रील्स वायरल नहीं होगा। तो यहां पर मैं आ चुका हूं एक न्यू अकाउंट में जो कि भैया इन्होंने अपने सेटिंग्स को नहीं करके रखा और ये रेगुलर रील डालते हैं। तो सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल या पेज वाले प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। वहां पर क्लिक करने के बाद नीचे स्लाइड करना है, यहां पर आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, अगर आप पेज पर सेटिंग कर रहे हो तो यहां पर आपको पेज सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर आप प्रोफाइल्स पर सेटिंग कर रहे हो तो सिंपली आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है। जैसे ही आप नीचे स्लाइड कीजिएगा तो यहां पर देखिए आपको रील वाला एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली रील वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रील वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा अलाउ एनीवन टू रिमिक्स योर फीचर पब्लिक रील्स। तो सबसे पहले इसको इनेबल कर लेना, इन्होंने डिसेबल कर रखा है तो भैया आपका रील कहां से वायरल होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आता है, इस वाले सेटिंग्स को भी आपको सिंपली ऑन कर देना है। और तीसरा जो सेटिंग्स होता है हु कैन सी योर रील्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यही सेटिंग होता है, अगर इसको आप भैया फ्रेंड करके रखोगे तो केवल फ्रेंड के पास आपका रील जाएगा, अगर आप इसको पब्लिक करके नहीं रखोगे जीवन में आपका कभी भी रील वायरल होने वाला नहीं है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए आपका फेसबुक रील्स वायरल नहीं होगा। तो सिंपली यहां पर क्लिक करके सबसे पहले इसको पब्लिक कर लेना है। अगर आप पेज पर सेटिंग कर रहे हो तो केवल और केवल ये सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, बाय डिफॉल्ट आपका ये सारा सेटिंग्स ऑन रहता है, बस इतना ही सेटिंग्स होता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से वीडियोज को बनाना है, कौन से हैशटैग को फॉलो करना है, कौन से साउंड्स को बनाना है, कहां से साउंड्स लेना है, सारा चीज आपको फेसबुक हर चीजों को बताता है। तो आइए अब एक एक करके डिटेल से समझते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करने के बाद अब क्या करते हो, आप गलत तरीके से अपने फेसबुक रील्स को अपलोड करते हो जिसके कारण आपका फेसबुक रील्स पर व्यूज नहीं आता है। तो सही तरीके से आपको फेसबुक रील्स कैसे अपलोड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहां पर देखिए आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहां पर आपको रील्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही रील्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपको ऊपर के साइड में कैमरा का आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहां से आपका सारा वीडियोज आ जाएगा, तो जिस भी रील को आपको अपलोड करना है सिंपली उस वाले रील पर आपको क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद भैया सिंपली आप क्या करते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको अपलोड कर देते हो। भैया ये गलत तरीका है, इतना काम करने के बाद अभी आपको बहुत सारे काम को करना होता है। तो अगर रील में आपको कुछ भी एडिटिंग करना है तो यहां पर आपको कोना के साइड में देखिए एडिट रील का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप क्लिप को ऐड
हाइड कर सकते हो, क्लिप में कुछ पार्ट को रिप्लेस कर सकते हो, यहां से कुछ चीजों को एडजस्ट कर सकते हो, और स्पीड पे क्लिक करके आप अपने वीडियोज को स्लोमो या फास्ट कर सकते हो, क्रॉप पे क्लिक करके आप अपने वीडियोज को जूम कर सकते हो, मिरर पे क्लिक करके आप अपने वीडियोज को उलट फेर कर सकते हो, रिवर्स पे क्लिक करके आप अपने वीडियोज को पीछे से चला सकते हो, और स्प्लिट पर क्लिक करके आप कहीं पर भी अपने वीडियोज को काट सकते हो। ठीक है, अगर मुझे यहां पर स्प्लिट करना है, सिंपली मैं स्प्लिट पर क्लिक करूंगा ना, तो देख सकते हैं मेरा वीडियो कट जाएगा और मैं कहीं से भी अपने वीडियोज को काट छाट करके उसको डिलीट कर दूंगा। इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखिए ऑडियो का आपको एक सेक्शन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग यहीं पर फंसते हो, आप लोग क्या करते हो, कहीं से भी भैया डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम से वीडियोज को डाउनलोड करते हो और डायरेक्टली अपलोड कर देते हो। कहां से व्यूज आएंगे भैया, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कहीं से भी आपको सॉन्ग्स को नहीं लेना है। अगर आपका कहीं से भी सॉन्ग्स है उसको म्यूट करके यहां से आपको ऑडियो को ऐड करना है। तो यहां से ऑडियो पर क्लिक करना है, ऑडियो पर क्लिक करने के बाद अगर आपका कोई पहले से म्यूजिक है, अगर आपका म्यूजिक पर वीडियोज बना रहे हो तो इसको म्यूट कर दीजिएगा, और इसको म्यूट करने के बाद ऐड म्यूजिक पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ऐड म्यूजिक पर क्लिक करना है तो यहां से आपको देखना है कि जो म्यूजिक पर, यहां पर देखिए ये जो दिखा रहा है ना, ये लाल कलर का फायर वाला आइकन, इसका मतलब है कि भैया ये ऑडियो ट्रेंडिंग है। तो सबसे पहले आपको अपने वीडियो से रिगार्डिंग आपको ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो कि ट्रेंडिंग ऑडियो रहेगा। तो सिंपली यहां पर बहुत सारे ऑडियो आपको ट्रेंडिंग में देखने को मिलेंगे, तो जो भी आपका वीडियो से रिलेटेड है सिंपली उस पर क्लिक करके इसको ऐड कर लीजिएगा। इसको ऐड करने के बाद अगर आपको अपने वीडियो में इफेक्ट लगाना है तो सिंपली जो भी इफेक्ट आपको पसंद आता है यहां से आप इफेक्ट को लगा सकते हैं। इतना काम करने के बाद सिंपली यहां से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहां पर बोल रहा है भैया डिस्क्राइब योर रील, मतलब आपको अपने रील के बारे में बताना है कि आपका रील किस कैटेगरी का है और जो फेसबुक है वो आपके किस ऑडियंस के पास आपके रील को भेजेगा। तो सिंपली आपका जिस भी रिलेटेड वीडियो रहे सिंपली कुछ नहीं करना, उस रिलेटेड आपको टाइटल लिख लेना है। जैसे मेरा बिहाइंड सीन है तो मैं सिंपली बिहाइंड सीन लिख देता हूं। इतना काम करने के बाद अब आपको टाइटल में ही एक दो इमोजी लगा देना है। ठीक है, तो यहां से जिस रिलेटेड आपका वीडियो है उस रिलेटेड इमोजी लगा दीजिएगा। लेकिन इमोजी लगाने से काम नहीं चलता है, अब आपको अपने वीडियो से रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से हैशटैग लगाना होता है, क्योंकि हैशटैग एक बहुत फैक्टर करता है आपकी वीडियो को वायरल करने में। तो बाबू आप कितना भी प्रयास कर लो, कुछ भी कितना भी तिगड़म लगा लो, आप वायरल हैशटैग को नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसके लिए हम AI का मदद लेंगे और सारा हैशटैग को, ट्रेंडिंग हैशटैग को भैया हम AI की मदद से लिख लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा बीच से कट करेंगे, गूगल क्रोम पर जाएंगे, यहां पर हमको लिखना है, जैसे मेरा बिहाइंड सीन है, भोजपुरी गाना है, कॉमेडी है, या फिर जिस भी रिलेटेड मेरा वीडियो है सिंपली हमको अपना टाइटल लिख देना है। जैसे मेरा बिहाइंड सीन है तो मैं लिख देता हूं बिहाइंड सीन पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर हैशटैग। इतना लिखने के बाद सिंपली आपको सर्च कर देना है और जो भी वेबसाइट यहां पर आ जाएगा, यहां पर देख सकते हैं सिंपली मेरे बिहाइंड सीन से रिलेटेड बहुत सारे हैशटैग आ गए हैं, देख सकते हैं। सिंपली मैं किसी को भी यहां पर कॉपी पर क्लिक करके कॉपी करूंगा और फिर से मैं रिसेंट पेज में चले जाऊंगा और सिंपली भैया यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद जो भी आपका फालतू यहां पर एक दो हैशटैग दिखेगा उसको कट कर लीजिएगा और आपका जो भी प्रोफाइल का नाम है या पेज का नाम है, जैसे मान लीजिए मेरा बादशाह गोल्डन है तो मैं यहां से बादशाह गोल्डन लिख देता हूं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड हैशटैग को लगा देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद प्रोफाइल से रिलेटेड हैशटैग लग गया, यहां से आपका ये पब्लिक होना चाहिए। अगर आप किसी को टैग करना चाहते हो तो टैग पीपल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोकेशन वगैरह ऐड करना चाहते हो भैया मैं पर्टिकुलर लोकेशन पर मैं वीडियो को चलाऊं तो यहां से लोकेशन को भी ऐड कर सकते हो। यहां से ऐड टॉपिक का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहां पर आपको बताना है कि आपका जो वीडियो है वो कॉमेडी है, डांस है या किस रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां से म्यूजिक वीडियो है, म्यूजिक वीडियो पर क्लिक कर दीजिएगा। जिस रिलेटेड अगर आपका वीडियो है भैया बहुत सारे कैटेगरी मिल जाएंगे तो आप अपने कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपको किसी को टैग करना है तो टैग पर क्लिक करके यहां से ब्रांड वगैरह को भी टैग कर सकते हो। अगर आपको अपने वीडियोज में किसी को कोलैब करना है तो यहां से इनवाइट कोलैब पर क्लिक करके आप जिसका भी नाम डालिएगा उसके पास कोलैबोरेशन चला जाएगा। जैसे मैं बादशाह गोल्डन को कोलैब करता हूं तो सिंपली यहां पर बहुत सारे फेक प्रोफाइल आ गए बबुआ, बहुत सारे फेक प्रोफाइल आ गए हैं। तो जिसको भी आपको कोलैब करना है सिंपली उस पर क्लिक करके डन पर क्लिक कर लीजिएगा। अगर इतना काम करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको शेयर नाउ पर क्लिक करके अपने वीडियोज को शेयर कर देना है। जैसे ही आप अपने वीडियोज को शेयर
करोगे। तो यहां से देख सकते हैं कि कुछ समय इंतजार करने के बाद फाइनली मेरा फेसबुक रील्स यहां से अपलोड हो गया है और ये प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से रील को अपलोड हुआ है। बस अब हमको इसमें कुछ ट्रिक लगा देना है जिससे मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। तो देखिए इतना काम करने के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप्स की तरफ, जिसको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहां से वीडियोज को छोड़ दोगे तो भैया आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। अब देखिए आपको क्या करना है, रेगुलर अपने वीडियोज को अपलोड करना है। जिस प्रकार से आपका वीडियोज होता है, जिस प्रकार से आपको बनाने में टाइम लगता है, उस प्रकार से आपको अपने वीडियोज को अपलोड करना है। अगर आप चाहोगे तो पर डे एक रील को अपलोड कर सकते हो। अगर आपको और ज्यादा मजा आता है रील बनाने में और आपसे रील बनाने में पार लगता है तो पर डे आपको दो रील अपलोड करना है। मतलब मैक्सिमम आपको एक दिन में 5 रील को अपलोड करना है और मिनिमम आपको एक दिन में 1 रील को कम से कम तो अपलोड करना है। अब देखिए अगर आप डे बाय डे रील को अपलोड करते जा रहे हो तब आपको देखना है कि आपके 10-15 रील में से कोई ना कोई ऐसा एक रील जरूर होगा। अगर आपके कंटेंट में थोड़ा सा भी दम रहेगा तो कोई ना कोई रील जो है आपका एक रील वायरल होगा, मतलब एवरेज से उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। तो जिस भी रील पर आपका एवरेज से ज्यादा व्यूज आता है, मतलब कुछ ठीक ठाक व्यूज आ गया या फिर आपका रील वायरल हो गया, अब आपको उसी कैटेगरी को पकड़ लेना है और उसी प्रकार के रील को आपको रेगुलर बनाना है। देखिए इतना काम करने के बाद अब देखिए अगर कोई भी रील आपका ऐसा है जो कि वायरल होता है तो जिस भी साउंड पर अगर आपका रील वायरल होता है ना, आपको कुछ नहीं करना है बाबू, उस वाले साउंड पर आपको रिपीटेडली रील को बनाना है। जब उस वाले साउंड पर जिस पर आपका एक रील वायरल हो चुका है उस वाले साउंड पर आप रिपीटेडली उसी प्रकार के सेम रील को बनाओगे ना, तो आपका पिछला रील भी वायरल होते चला जाएगा। जब आपका 2-3 रील वायरल होगा ना, फिर आपके फॉलोअर्स वगैरह धकेक से इंक्रीज होने लगेंगे और आपके फिर हर रील वायरल होने लगेंगे। देखिए अब इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक को पकड़ना है, देखना है कि कौन सा न्यूज ट्रेंड कर रहा है, आपको उसी प्रकार के रील को बनाना है। कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग ऑडियो है और कौन सा ऐसा ऑडियो जो कि भैया अभी मार्केट में उसका डिमांड बहुत ज्यादा है। अगर आप ट्रेंडिंग साउंड, ट्रेंडिंग टॉपिक या फिर कुछ भी ट्रेंड करता है अगर आप उस पर रील बनाते हैं तब आपका रील वायरल होने का चांस 100% बढ़ जाता है। लेकिन आप लोग स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा गलती करते हो जो कि आपको लगता है भैया ये गलती नहीं है, जिसके कारण आपका फेसबुक रील्स बोर जाता है और उस पर व्यूज नहीं आते हैं। इतना काम करने के बाद अब आपको कहीं पर भी आपको अपने फेसबुक रील्स के लिंक को शेयर नहीं करना है, ना ही मैसेंजर पे किसी को भेजना है और ना ही किसी को व्हाट्सएप पे भेजना है, ना ही स्टेटस लगाना है और ना ही किसी ग्रुप में अपने फेसबुक रील्स को भेजना है। अगर ऐसी गलती को आप करते हो तो आपका इंप्रेशन तो काउंट हो जाता है लेकिन भैया अगर आपके लोग रील को नहीं देखेंगे इस अवस्था में आपका फेसबुक अकाउंट भी डेड हो जाएगा और आपका रील कितना भी अच्छा हो वो वायरल नहीं होगा। तो आपको फेसबुक रील्स को डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको केवल और केवल यहां पर जाना, अपने रील में चले जाना है। रील में जाने के बाद शेयर पर क्लिक करना है, शेयर पर क्लिक करने के बाद केवल और केवल जिस भी प्रोफाइल या फिर पेज से अपने रील को अपलोड किया है वो वाले पेज पर आपको केवल और केवल स्टोरी लगा देना है। स्टोरी लगाने के बाद अब दूसरा ट्रिक में आपको क्या इस्तेमाल करना है, अपने रील में कुछ भी ऐसा कुरफाती दिमाग लगाइएगा, कुछ भी ऐसा टेक्निक लगाइएगा या कुछ भी ऐसा कीजिएगा जिससे क्या हो लोग आपकी रील को रिपीटेडली देखें। जब लोग आपकी रिपीटेडली को दोबारा देखेंगे मतलब 100% वॉच टाइम देंगे तब आपका रील 100% वायरल होगा। क्योंकि भैया जब तक आपके रील को लोग देखेंगे ही नहीं तब तक आपका रील कैसे वायरल होगा। तब आपको कुछ दिमाग लगाना है, स्टार्टिंग में आपको जो है लंबा लंबा रील को नहीं बनाना है, शॉर्ट रील को बनाना है, मतलब छोटा छोटा 5 से 10 सेकंड वाले रील को बनाना है। अगर ये सारे काम को आप कर रहे हो जो मैं बताऊंगा ना, ये सारे काम को आप अच्छे तरीके से करोगे आपका 100% फेसबुक रील्स वायरल होगा। इतना काम करने के बाद तीसरा जो गलती है जो कि आप लोग में से बहुत लोग करते हो, भैया ये गलती को भूल जाओ वरना नहीं वायरल होगा। अब आप लोग क्या करोगे, आप लोग सही टाइमिंग खोजोगे कि भैया हमको फेसबुक रील्स वायरल करने के लिए कौन से टाइमिंग पर हमको वीडियोज को अपलोड करना चाहिए। तो देखिए 10 बजे दिन से लेकर रात के 8 बजे तक आप कभी भी अपने फेसबुक रील्स को अपलोड कर देना, ठीक है। लेकिन आपको
आपको एक टाइम को पकड़ना होगा। अगर आप पर डे 10 बजे दिन में डाल रहे हो तो भैया 10 बजे दिन में आपको अगला दिन डालना है, मतलब टाइम टेबल का एकदम ख्याल रखना है। अगर आप 11 बजे डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप पर डे 11 बजे ही डालो। अगर आप 12 बजे डाल रहे हो पर डे 12 बजे ही डालो, मतलब आपको अपना खुद का एक टाइम टेबल फिक्स करना है और उसी टाइम पर आपको पर डे अपने फेसबुक रील्स को अपलोड करना है और रील्स का बैकअप बनाकर चलना और रेगुलरिटी मेंटेन करना है। भैया जिस प्रकार से खाना खाना रोज जरूरी होता है उसी प्रकार से आप रील डालिएगा और अच्छी क्वालिटी के रील को अपलोड कीजिएगा और जिस प्रकार से आप रील को बना रहे हो उसी कैटेगरी के बड़े क्रिएटर को फॉलो कर लीजिएगा और देखिएगा कि वो किस प्रकार से रील डाल रहे हैं और उनके कौन से रील ऐसे हैं जो कि एवरेज से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। आप भी उसी प्रकार के रील को बनाइएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आपका रील वायरल भी होगा और आप उससे अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। एड्स ऑन रील्स के जरिए और भी बहुत सारे ट्रिक होते हैं जिसके जरिए आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। अगर आपको रील से पैसे कमाना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि फेसबुक रील से पैसे कैसे कमाएं। अगर आपको फेसबुक पर पेज बनाना है उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फेसबुक पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है वो भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाइएगा वीडियो देखिएगा, सीखिएगा, पैसे कमाइएगा। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद।